खबरमाओ जनपद से जहां रतनपुरा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज रतनपुरा की इकाई ने संघ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह एवं महामंत्री धनंजय कुमार सिंह का स्वागत समारोह मंगलवार को विद्यालय परिसर में आयोजित किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए स्वागत समारोह में नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह एवं महामंत्री धनंजय सिंह ने अपने स्वागत के लिए विद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं शिक्षक हितों के लिए सतत जागरूक एवं सच्चे हृदय से सदैव समर्पित रहूंगा। जनपद में गुणवत्ता युक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के साथ ही शिक्षकों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा हमारा परम कर्तव्य होगा। इस अवसर पर योगेंद्र नाथ सिंह, भूपेंद्र वीर सिंह, पंडित मदन कुमार शर्मा, विजय कुमार मिश्र, शिवशंकर सिंह, डॉक्टर अवनींद्र कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कुंवर भूपेंद्र वीर सिंह ने किया। कार्यक्रम के अंत में शिक्षक संघ के शाखा अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। मऊ जनपद से दीपक सिंह सचिव की रिपोर्ट। मेरा नाम धनंजय सिंह है, मैं दयानंद इंटर कॉलेज इटैली में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान सत्र के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद मऊ के जिला मंत्री पद पर मेरा निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। निवृत्त हुआ है जी सर, मतलब जो आपको ये पद मिला है तो इसको लेकर के क्या है आपका खुशी, किस टाइप की खुशी? ये पद मुझे शिक्षक संगठन को सक्रिय करने के लिए और शिक्षक हितों की रक्षा करने के लिए मिला है और मैं अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास करूंगा कि शिक्षक संगठन शिक्षक हितों की रक्षा के प्रति जैसे पूर्व में कार्य करते रहे हैं उसी तरह से यहाँ जनपद से लेकर के प्रदेश स्तर तक शिक्षकों के हित की आवाज़ बुलंद करते रहें, यही मेरा उद्देश्य है। सर मतलब ये जो आज आपका नेहरू इंटर कॉलेज में आज आपका स्वागत समारोह है तो इस संबंध में आपका क्या कहना? नेहरू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश सिंह जी मंडल अध्यक्ष हैं और मेरे अभिभावक के समान हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। तो मंत्री पद पर चयन होने के बाद आपने अनुरोध किया था कि आप विद्यालय में आए, सभी अध्यापकों से पूर्व भी परिचय है लेकिन जिला मंत्री के रूप में आपने इस विद्यालय पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। मैं पूरे विद्यालय परिवार का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का और स्वागत करने का के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। सर इसका एक संदेश क्या जाएगा हमारे समाज में? समाज में शिक्षक हमेशा से समाज को मार्गदर्शन देता रहा है लेकिन आज शिक्षक हित कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, तो मैं अपने माध्यम से समाज को संदेश देना चाहता हूं कि जैसे शिक्षक और शिक्षा पूर्व में भी समाज के लिए मार्गदर्शक रहे हैं, आगे भी समाज को दशा और दिशा शिक्षक ही देंगे, उनको शिक्षकों पर और शिक्षक संगठनों पर विश्वास रखना चाहिए।